हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। तो दोस्तों, मैं मनीष, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। गाइस, अभी प्रीव्यू में आपने वीडियो देख लिया, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और फिर से इस तरह के 3D इफेक्ट वाली स्टेटस वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हो, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। बस एक क्लिक में आप इसी स्टेटस को बना सकते हैं, क्योंकि ये नोट वीडियो का ट्यूटोरियल तो फुल प्रोजेक्ट मैंने आपको प्रोवाइड किया, जो इसका जिप फाइल आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा। सिंपली आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। देन डाउनलोड करने के बाद आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर सर्च करना है नोट वीडियो। अगर आपके फ़ोन में है तो सर्च करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली आपको नोट वीडियो एप्लीकेशन को ओपन करना है। उससे पहले आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से जिप फाइल को डाउनलोड करना है। अगर उसमें कोई भी परेशानी होती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे, कैसे आप फाइंड करेंगे मटेरियल को, सारी चीज़ उस वीडियो में बताई हुई है। और मटेरियल कैसे आप यूज़ करेंगे वो भी बताया हुआ है। जिप फाइल जो नोट वीडियो का होता है, उसे कैसे इम्पोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, सारी चीज़ें वीडियो में बताई हुई है। उसके लिए आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को ओपन देख लेने के बाद आपको नोट वीडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। देन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। मिनी मोड के ऊपर में एक एरो देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। नीचे लोड प्रोजेक्ट जिप का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। देन आपका फाइल जो ओपन हो जाएगा, जो आप डाउनलोड किए होंगे मटेरियल वो आपको रिसेंट में ही मिल जाएगा। देन यहाँ से ले लीजिएगा। अगर यहाँ पर ना मिले तो 3 लाइन पर क्लिक कीजिएगा और डाउनलोड में चले जाइएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं पहले से यहाँ पर ऐड करके रखा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ एडिटिंग करके। सो गाइस, यहाँ पे इसे ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, थोड़ा टाइम लेगा, तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। नोट वीडियो में आप किसी वीडियो को सेव भी करते हैं तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है, उतना देर तक आपको वेट करना ही करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, प्रोजेक्ट हमारा जो है ओपन होकर आ गया। यहाँ पर प्रीव्यू रेजोल्यूशन जो 50 है तो इसे 100 कर लीजिएगा। इससे आपका क्वालिटी जो है यहाँ पर वीडियो का अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा हार्ड हो जाता है, थोड़ा सा लेग करता है फोन, बट अच्छे से दिखता है। डन ग्रुप पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे ऑडियो लगा हुआ है, अगर आप मेरे द्वारा प्रोवाइड किया हुआ ऑडियो यूज़ करना चाहते हो तो इसे रख सकते हैं, अदरवाइज 3 लाइन पे क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। ऑडियो हो गया डिलीट, ओह सॉरी, मैंने डुप्लीकेट ही कर दिया, कोई नहीं, मैं इसे डिलीट भी कर दिया। ठीक है, अब आपको आगे की तरफ स्क्रॉल करें। यहाँ पे सारी चीज़ें परफेक्ट है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर कहीं पे कोई परेशानी हो तो उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये एक लीफ जो है आधा कट रहा है, तो इसे हम एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको पता करना होगा, पहले तो इतना सारा यहाँ पर देख सकते, इतने सारे मटेरियल ऐड किए गए हैं कि आपको पहले उसे चेक करना होगा कि कौन सा है। तो ग्रास 1 पर क्लिक करके एक बार चेक करते हैं, ये वाला यही वाला है शायद, देख लेते हैं एक बार यहाँ से। और इस नहीं, ये वाला ऊपर वाला है, ये वाला नहीं है, नीचे वाला हमें चाहिए। तो ये वाला देख लेते हैं, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, और शायद ये है, ये भी नहीं है। एक बार और, ये रहा। तो ग्रास 5 जो है ये वाला है, तो इसे आप ऊपर की तरफ इस तरह से कर लीजिएगा। करने के बाद ये वाले बटन की मदद से इसे आप नीचे तक कर सकते हैं, बट नीचे ज़्यादा कीजिएगा तो दूसरा कट जाएगा, तो इसे बेटर इसे थोड़ा छोटा कर देंगे, इस तरह से छोटा कर देंगे, हल्का सा छोटा कर देंगे। और यहाँ पे ये फिट हो गया, अब इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा और छोटा कर लेते ताकि हमें कोई परेशानी न खड़ी करे। अब इसका वेट तो हम नहीं बढ़ा सकते, मतलब हाइट नहीं बढ़ा सकते, वेट बढ़ाकर एडजस्ट कर लीजिएगा इस तरह से। तो अब देख सकते काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट हो गया, बस यही एक थो गड़बड़ हो गया था जो कि मैंने ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से। तो आप इसे सही कर लीजिएगा, बाकी सब सही है यहाँ पे, और भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस साइड में स्क्रॉल कीजिएगा, योर फोटो का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक कर 3 लाइन पर क्लिक कीजिए, रिप्लेस वाले ऑप्शन में चले जाइएगा। जो फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करके आप रखे होंगे उस फोटो को आपको यहाँ पे यूज करना है। एल्बम में चलते दिन जो भी फाइल में आपका फोटो हो उस फाइल को आपको सिंपली ओपन कर लेना है। तो मैंने काफ़ी सारे फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करके रखा है, तो मैं तब तक के लिए कोई सा भी फोटो ले लेता हूँ। मैं एक राधा कृष्ण का इमेज ही ले लेता हूँ जो बैकग्राउंड रिमूव करके रखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते काफ़ी सारे इमेज है, तो इसमें से मैं तब तक के लिए कोई सा भी एक ले लेता हूँ जो वहाँ पे अच्छे से एडजस्ट हो जाए, उस टाइप का हम लेंगे। तो ये वाला डांसिंग मोड में जो है ये वाला फोटो यहाँ पे देखते हैं फिट करके, तो ये एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तब यहाँ पर स्केल पर क्लिक करेंगे, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इस तरह से, दैन यहाँ पर नीचे करके एडजस्ट कर लेंगे। देख लीजिएगा कि फोटो कटे ना और ज़्यादा ऊपर भी ना रहे, तो ये आसमान में लग रहा है, चल रहा है, तो इसे थोड़ा और नीचे करते हैं, फिर इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा करते हैं। यहाँ पे ये लीफ देख सकते हैं, यहाँ पे ये लीफ जो है सो कट रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना होगा। थोड़ा सा नीचे किए, यहाँ पे फिट हो गया, फिर थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं और थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके नीचे आगे पीछे करके एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अब ये सही लग रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे अब फिट हो गया, देख सकते काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट हो गया है, तो मैं इसे रहने देता हूँ। अब एक सॉन्ग की ज़रूरत होगी, तो आपको लास्ट में आना है, प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है, लोड फ्रॉम फाइल पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऑडियो के ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जो भी ऑडियो होगा सब आपको दिखने लगेगा। जो भी ऑडियो पर स्टेटस बनाना चाहते हो ऑडियो को सिंपली ले लीजिएगा। तो मैं कोप लेकर के देख लेता हूं,
तो गाइस ये वाला सॉन्ग को मैं ले लेता हूँ, तेरी आंखें जब जब इस टाइप का कुछ सॉन्ग है। अब यहाँ ग्रुप पे क्लिक कीजिए, नीचे जो ये एरो देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक करना तो कुछ इस तरह से आएगा। ऑडियो आपका चेक कर लीजिए कितना टाइम का है, हमारा प्रोजेक्ट 30 सेकंड का है, ऑडियो हमारा थोड़ा छोटा हो गया, तो फिर सर इस ऑडियो को हम हटाते हैं, दूसरा कोई ऑडियो ले लेंगे। सॉन्ग के अकॉर्डिंग ही हमारा ऑडियो होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सॉन्ग मतलब सॉरी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा ऑडियो होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, छोटा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे यहाँ से बैक करते हैं, फिर से सॉन्ग देख लेते हैं। तो ये सॉन्ग 34 सेकंड का था, तो इसी को ले लेते तेरी गलियों से इस टाइप का। अब यहाँ पे देख लीजिए सॉन्ग थोड़ा लंबा हो गया प्रोजेक्ट से, तो जितना ज़्यादा है उसके बराबर में रख लीजिएगा, जितना ज़्यादा है उसके बराबर में रखिएगा। सॉन्ग को सिलेक्ट कीजिएगा, ट्रिमर का ऑप्शन देखिए इस पर क्लिक कीजिए, नीचे वाला पार्ट जो है उसे सिलेक्ट करके 3 लाइन पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। आपका सॉन्ग यहाँ स्टेटस जो है बनकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स इसमें और भी चेंजेस आप कर सकते हैं, और फ्रेंड्स कुछ लोग नोट वीडियो से जो मैं ट्यूटोरियल लाता हूँ तो बोलते हैं एलाइट मोशन से लाने के लिए, तो फ्रेंड्स इससे अच्छा एडिटिंग मैं इसी प्रोजेक्ट के साथ में एलाइट मोशन पर कर सकता हूँ। बट परेशानी ये होती है कि आप लोग प्रीमियम यूज़र नहीं है और इसमें ज़्यादा लेयर यूज हुआ है, जब मैं इतना लेयर यूज़ करूँगा तो आप इम्पोर्ट ही नहीं कर पाओगे, एलाइट मोशन में वर्क नहीं करता, 5 MB से जब ही ज़्यादा हो जाता है तो प्रीमियम में जाने लगता है। आप लोग प्रीमियम यूज़र है नहीं, काफ़ी ज़्यादा लोग मोड यूज़र है, तो मोड यूज़र को परेशानी होती है, बट नोट वीडियो में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। मैं प्रीमियम फीचर जो यूज़ नहीं करता हूँ, इसमें फ्री फीचर यूज़ करता हूँ जो आप आसानी से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर पाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सो गाइस प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो चुका है, एडिटिंग हमारी फिनिश हो चुकी है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को सेव करने के लिए नीचे इस वाले ऑप्शन पर टैप कीजिए, ग्रीन वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। सो गाइस वीडियो कैसे लगे कमेंट ऑप्शन जरूर बताइएगा। अगर कोई भी परेशानी होती है या कोई प्रोजेक्ट आप देखें और आपसे नहीं कंप्लीट हो रहा है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, उसके लिए आप डाटा चार्ज थोड़ा बहुत अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, आपकी खुशी होगी, और अगर नहीं भी करना चाहे तो कोई परेशानी नहीं है, आपकी खुशी, और मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं। मुझसे कॉन्टैक्ट करना काफ़ी आसान है, आप यूट्यूब के अबाउट में जाइए, वहाँ पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट करने के काफ़ी सारे फीचर अवेलेबल हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ कॉल मत कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।